साथियों गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप। ये मेरा तीसरा ब्लॉग है और हम बात करने वाले हैं आज के ब्लॉग के बारे में। आज का अभी टाइम जो है 7:10 हो गया। मुझे जल्दी से फटाफट तैयार होना है और तैयार होकर मुझे कानपुर भी जाना है, मैंने आपको जैसे बताया था। तो चलिए सबसे पहले हम गर्म पानी सुबह पीते हैं, उसके बाद ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। चलिए साथियों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों गुड मॉर्निंग, मैंने आपसे बताया था मुझे कानपुर जाना है और काफ़ी टाइम हो गया, मैं बहुत लेट उठा, 7 बज गया है साथियों। तो मुझे कानपुर निकलना है, इसलिए मैं रेडी होता हूँ और फिर मिलता हूँ आपको अभी थोड़ी देर बाद। मैं रेडी होकर फ्रेश होकर आपको मिल रहा हूँ, तब तक लिए अपना ख्याल रखिए और आप भी उठिए, चाय वाय पीजिए, है ना साथियों। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अभी थोड़ी देर बाद। साथियों कैसे हैं, क्या हो रहा है, मैं भी फटाफट इस ग्रीन टी को ख़त्म करता हूँ, उसके बाद दिन की शुरुआत करता हूँ, फिर रेडी होता हूँ। मुझे कानपुर निकलना है, मैंने कल के ब्लॉग में बताया था। तो मैं बहुत जल्द रेडी होकर आपको मिलते हैं अभी थोड़ी देर बाद। मैंने फ्रेंड को फ़ोन किया, उसको करीब 2 घंटे लगेगा अभी आने में। उसने बताया कि मुझे थोड़ा काम है, इसलिए मैं अभी कानपुर थोड़ा रुक के चलूँगा। तो साथियों जब तक लिए मैंने सोचा आज मेरे पास टाइम है, टाइम मिलता नहीं है, मैंने सोचा आज अपने जो है बाल कटवा लूँ और बाल वाल कटवा के थोड़ा सेविंग करके रेडी हो जाऊँ, क्योंकि मुझे कानपुर जाना है, मैंने आपसे बताया था। तो चलिए साथियों अभी मैं जाता हूँ सैलून पे और अपने आज बालों को कटवा के थोड़ा फ्रेश हो जाता हूँ, अच्छे से रेडी हो जाता हूँ और फिर मिलता हूँ रेडी होके। तो साथियों अपना ख्याल रखिए और परिवार में सभी का ख्याल रखिए साथियों, फिर अभी मिलते हैं थोड़ी देर बाद। फाइनली दोस्तों हम रेडी हो चुके हैं कानपुर जाने के लिए और निकलते हैं रोड की तरफ, आपको नज़ारा दिखाते हैं रोड का कि हम किधर से जा रहे हैं कानपुर। चलिए दोस्तों रेडी हो चुके हैं, निकल चुके हैं यहाँ से कानपुर के लिए, आइए देखते हैं। साथियों हम गाड़ी के पास पहुंच चुके हैं, अब हम कानपुर के लिए निकल रहे हैं यहाँ से और पहुँचते हैं और दिखाते हैं, आगे वीडियो में बात करते हैं। साथियों हम रेडी हो गए हैं कानपुर जाने के लिए, गाड़ी में बैठ गए हैं अपनी और यहाँ से निकलते हैं। अभी यहाँ से सफ़र की बात करेंगे तो साथियों यहाँ से करीब 1.5 घंटे का रास्ता है और रास्ते में क्या क्या होता है हम बात करते हैं यहाँ के ब्लॉग में। I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play, how I like, rearranged into my own domain, yeah I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed, all the squad here to play, and I've got something to say, yeah, I work hard each and every day. तो साथियों देख सकते हैं आप, किलोमीटर्स में दिख रहा है कानपुर, 8 किलोमीटर बचा हुआ है और हम अपनी गाड़ी को टर्न कर लेंगे राइट साइड में। ऊपर देखें तो अपनी गाड़ी को टर्न कर लेंगे। Again, I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb. A new class to find, yeah, true passion shines. And I'm through passing time, I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move passing by. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pods, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never cap in space. I won't stop till I hear him say. Oh, oh, na, 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 na.
हम पहुंच चुके हैं कानपुर। हम जिस काम से आए थे वो काम अभी मेरा हो नहीं पाया है, करीब 4 घंटे बाद काम होगा। जब तक लिए साथियों हम कुछ मनोरंजन कर लेते हैं। और अभी हम पहुंचने वाले हैं गुरुदेव चौराहे पे। Mandated by the WHO. Our entire team has been meticulously trained to do this. While we encourage our guests to book tickets online, Thank you.